विधायक टेकचंद सावरकर बोले, इस साल दो सप्ताह तक शीत सत्र शुरू है और सभी मुद्दों पर शीत सत्र में चर्चा हुई है। विधायक टेकचंद सावरकर हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो अभी एक ही दिन बाकी रहा है शीत सत्र खत्म होने को और विपक्ष द्वारा मांग की जा रही है शीत सत्र बढ़ाने की, क्योंकि विधायक के मुद्दों पर जो है चर्चा नहीं हुई है अभी तक जिस तरह से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उस तरह से, तो और इसके साथ ही मांग हुए कि वक्तव्य के बाद जो है आज अजित पवार बोले कि मैं मतलब राजनीति से संन्यास तो लूंगा, ऐसा औद्योगिक उन्होंने उनको एक वक्तव्य किया है। देखिए, विधानसभा का सत्र अभी कल के दिन है और हमारे विधानसभा में विदर्भ के ऊपर भी चर्चा हुई है और विदर्भ का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी सरकार की भूमिका है। निश्चित रूप से चर्चा से भी पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जवाबदारी रही है कि विदर्भ के जितने भी MLA है वो सभी MLA के पीछे वो खड़े हैं और यहाँ के जो डेवलपमेंट का काम है, रास्ते है, गांव का डेवलपमेंट है, इसको जो भी हमको फंड्स होना चाहिए वो फंड देने के लिए सरकार तैयार है। बावनकुड़े साहब का जो वक्तव्य था कि बारामती के संदर्भ में, तो सवेरे मैं सुन रहा था अजित पवार जी का स्टेटमेंट कि मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा, वो उपरोक्त भूमिका उनने रखी थी। विषय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को हर गांव में, हर बूथ पे जाके हमको हमारा संगठन बढ़ाना है, यही भूमिका हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की है और आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में हम 48 जो लोकसभा क्षेत्र है वो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसा चुन के आए, वो भूमिका हमारे बावनकुड़े साहब की है और हमारे भी सभी MLA लोगों की है। हम अभी से आज अभी ग्राम पंचायती के इलेक्शन हुए, तो ग्राम पंचायत इलेक्शन में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनकर आई है। मेरे विधानसभा में 40 गांव में सरपंच के चुनाव हुए और 28 गांव में हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच और सहयोगी ऐसे चुना के लाए हैं। ये सब जनता का आशीर्वाद आज हमारे पीछे है और जो इस 6 महीने के अंदर में सरकार की भूमिका रही, वो सरकार के भूमिका के माध्यम से जनता में एक उत्साह का वातावरण है कि हमारा कोई यदि अच्छा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी के नेतृत्व में इस विदर्भ का अच्छा हो सकता है और डेवलपमेंट में भी भारी बदलाव भी आ सकता है। वो माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बहुमत मिला है। हमारे साथ टेकचंद सावरकर थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है ग्राम पंचायत चुनाव में और आगे भी इस तरह का कार्य वो करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमन तुमसरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपुर।